मिली हार के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा, ईवीएम की जादूगरी से हम पार नहीं पा पाए और हार गए। उन्होंने बीजेपी पर छल कपट से सत्ता हासिल करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बीजेपी जिनको हराना चाहती थी सिर्फ उन्हें ही हराया गया। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान को लेकर उन्होंने कहा, समय के साथ उनके शब्द बदल गए। ईवीएम पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस बार लगा कि वास्तव में टारगेटेड करके भाजपा मशीनों का ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। ये स्वतः लोगों का आना ये दर्शाता था कि वन साइडेड कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। अच्छा, आप लोग बोलते कि भाई ये 9 लोग कैसे जीते, तो ये टारगेटेड था। मैंने कहा कि बीजेपी जिसे हराना चाहती थी, जो उनके लिए सूतक थे, जैसे इमरती देवी कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनती, एजल सिंह कंसाना कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनती, ऐसे कई लोगों को बीजेपी ने निपटाया है। बाकी कंफर्टेबल मेजोरिटी लेके सरकार में बैठे।